so students today we will discuss about the interquartile range we have already discussed about the range range kya hoti hai ki hamare paas agar a a series of data given hai to usme se agar hum beginning or end ki values lete hain a highest value minus lowest value gives us the range so that depends upon the extreme values of the series lekin jo hamare paas interquartile range होती है इसमें हमारे पास only हम क्वार्टल्स के बेसिस पे वैल्यू निकालते हैं क्वार्टल्स के बेसिस पे हम ये मेजर करते हैं कि उसका डेटा जो है वो कितना ज़्यादा डिस्पर्सड है तो इंटर क्वार्टल रेंज इज़ द ओनली मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो कि सीरीज़ की एक्सट्रीम जो कि सीरीज़ की एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे लाई नहीं करता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं जो इधर एंड पे वैल्यूज होती हैं जैसे ये वाली या ये वाली जो वैल्यूज़ एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं डिपेंड करती है वो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इंटर क्वाटाइल रेंज क्योंकि इसमें हम इन द मिड ऑफ द सीरीज से क्वार्टाइल्स लेते हैं अब हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या होते हैं अगर हमारे पास एक सीरीज ऑफ़ डेटा गिवन है ठीक है तो अगर हमने एक सीरीज को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट दिस इज़ द थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट एक हमें सीरीज़ ऑफ डेटा गिवन है उसको हमने वन टू थ्री एंड फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम उनको जो वैल्यूज़ उनको डिवाइड करती हैं इन द फोर पार्ट्स दे आर नोन एज क्वाटाइल्स जो फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करती है दैट इज़ नोन एज क्वाटाइल वन सेकेंड पार्ट को जो डिवाइड करती है दैट इज नोन एज क्वार्टाइल टू और क्वार्टाइल टू को हम मीडियन भी बोलते हैं एंड जो थर्ड पार्ट को डिवाइड करती है दैट इज क्वार्टाइल थ्री और फोर्थ पार्ट आपके पास एज अ रिमेनिंग आएगा तो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है एक लाइन को अगर हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है जो वैल्यूज उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं ये वैल्यूज उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं सो दीज आर नोन एज क्वाटल्स वी जो हमारे लिए इंटरेस्ट के हैं दैट इज क्वार्टल वन एंड क्वाटल थ्री क्योंकि क्वार्टल टू इज़ मीडियन एंड वी नो हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन सो फार हमने इतना किया हुआ है कि हमें पता है कि मीडियन कैसे निकालते हैं हमारे पास इंटर क्वाटल रेंज का फॉर्मूला होता है क्वाटल थ्री थर्ड क्वार्टल माइनस फर्स्ट क्वार्टल Q3 थ्री माइनस क्यू ये हमारे पास इंटर क्वाटल रेंज का फॉर्मूला है क्योंकि सेकेंड क्वार्टल जो है वो होता है मीडियन Q2 टू okay? ओके अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे मैं आपको टू मेथड्स करवाऊंगी इंडिविजुअल सीरीज के एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है इसका तो दिस इज़ द इजीएसट मेथड एंड हम पहले करेंगे कि फॉर ऑर्ड सेट ऑफ नंबर्स अगर आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है वो ऑर्ड सेट है ऑर्ड सेट एज इन अगर नाइन है इलेवन है थर्टीन है फिफ्टीन है तो हम उसके लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपके पास एक सीरीज ऑफ डेटा गिवन है सो लेट स्टार्ट कि आपके पास एक सीरीज ऑफ़ डेटा गिवन है देखो आपके पास एक सीरीज ऑफ डेटा गिवन है ठीक है स्टेप वन है कि आपने ये सीरीज ऑफ़ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है तो आपने सारे जो उसके अंदर डेटा गिवन है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है ओके okay? उसके बाद आपने उसका मीडियन फाइंड आउट करना है जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया उसका मीडियन फाइंड आउट करो मीडियन क्या होता है विच इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ़ दी सीरीज जो भी आपकी सीरीज की मिडल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं मीडियन तो आपकी जो सीरीज़ है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी मीडियन आ गया सेंटर में हमने मीडियन निकाल लिया वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी अब जो स्टेप थ्री है दैट इज सेपरेट द नंबर्स अबव एंड बिलो द मीडियन मतलब जो आपका मीडियन वैल्यू है उससे जो पहले के नंबर्स हैं और जो बाद के नंबर्स हैं आपने उनको सेपरेट कर लेना है तो हम इसको वन एंड टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे मीडियम रिमेन्स मीडियम के जो लोअर हाफ वाला पार्ट है और अपर हाफ वाला पार्ट है वो हमने दो पार्ट्स बना लेने हैं ठीक है देन स्टेप फोर हमारे पास आता है फाइंड क्यू वन एंड क्यू थ्री क्यू वन होता है मीडियम इन इन द लोअर हाफ ऑफ द डेटा Q3 थ्री होता है मीडियम इन दी अपर हाफ ऑफ द डेटा मतलब ये हमारे पास लोअर हाफ है ये हमारे पास अपर हाफ है जो हम इसका मीडियम निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा Q1 जो हम इसका मीडियम निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा Q3 थ्री okay? ओके तो आप ये देखो ये आपके पास मीडियम था दैट इज ऑल्सो नोन एज Q2 टू सेकेंड क्वार्टल ये आपके पास फर्स्ट हाफ ऑफ डेटा है तो इसका मीडियन आपने जो भी निकाला इतना सिर्फ इस फर्स्ट हाफ लोअर हाफ का जो आपने मीडियन निकालना है वो आपके पास आ जाएगा क्यू वन दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल जो सेकेंड हाफ का मीडियन आपने निकालना है ये आपके पास सारा का सारा सेकेंड हाफ था इसका मीडियन निकालना है वो आपके पास आ जाएगा क्यू थ्री ओके एंड दिस इज ऑलरेडी क्यू टू जो कि हम ऊपर से मीडियन निकालते आ रहे हैं दो पार्ट्स में आपने सीरीज को डिवाइड किया उसमें से फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज का मीडियन निकाल लो वो Q1 आ जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज का मीडियन निकाल लो वो आपके पास Q3 आ जाएगा ठीक है तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं Q1 वन इज इक्वल टू फाइव एंड Q3 थ्री इज इक्वल टू एटीन तो इसमें से अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो पूरी की पूरी सीरीज है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गई है वन टू थ्री एंड फोर और जिन वैल्यूज़ ने उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया दैट इज योर क्वार्टेंस ये क्वार्टाइल ने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया ये क्वार्टाइल ने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया ये क्वार्टाइल ने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपकी जो सीरीज है उसको आपने वन टू थ्री एंड फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है जो वैल्यूज उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड करनी है दे आर नोन एज क्वार्टाइल्स ओके अब आपके पास क्यू वन एंड क्यू थ्री आ गया अब आपने इंटरक्वाटाइल रेंज का फॉर्मूला लगा देना है अप्लाई द इंटरक्वाटाइल रेंज फार्मूला दैट इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्यू थ्री इज एटीन एंड क्यू वन इज़ फाइव एटीन माइनस फाइव इज थर्टीन इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला ही आ जाएगा और हम हमने अगर क्वार्टल डेविएशन भी निकालनी है कि जो आ, हमारे क्वार्टल्स हैं वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं क्वार्टल डेविएशन हमें क्या बात बताती है कि जो हमने क्वार्टल्स फाइंड आउट किए हैं क्यू वन और क्यू थ्री वो हमारी जो मेन वैल्यू है उससे कितना डेविएट कर रहे हैं तो अगर हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉइंट टू दैट इज थर्टीन अपॉइंट टू इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव तो ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगी बेसिकली क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज विच डिवाइड द सीरीज़ इन टू फोर इक्वल पार्ट्स यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल्स जो है आपकी वो वैल्यूज हैं जो आपकी सीरीज को वन टू थ्री एंड फोर पार्ट्स में डिवाइड करती है अभी हमने किया इसको और सेट ऑफ नंबर्स के लिए अब हम इसको करेंगे इवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए सो so, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज में इंटरक्वाटाइल रेंज निकालनी है इंडिविजुअल सीरीज में उसको हम अब इवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए देखेंगे इवन सेट ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज में नंबर्स गिवन है उनका जो काउंट है दैट इज इधर एट और टेन और ट्वेल्व और फोर्टीन ईवन नंबर का सेट है स्टेप वन वही है कि आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो भी आपको सीरीज ऑफ डेटा गिवन है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे ठीक है देन स्टेप टू इज कि पुट अ मार्क इन द सेंटर ऑफ द डेटा जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसको हाफ में डिवाइड कर लो ठीक है अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर है टेन ठीक है तो आपने उनको क्या करना है टेन नंबर है तो फाइव फाइव डिवाइड हो जाएंगे फाइव इधर को आ जाएंगे फाइव इधर को आ जाएंगे तो सेंटर में से आपने उसको डिवाइड कर लेना पुट अ मार्क इन द सेंटर देन स्टेप थ्री इज सेपरेट द नंबर अबव एंड बिलो द मार्क इनको आपने एक जगह सेपरेट कर लेना है इनको आपने एक जगह सेपरेट कर लेना है. आपके पास टू सीरीज ऑफ डेटा बन गई फर्स्ट हाफ आ गया ये लोअर हाफ आ गया ये अपर हाफ आ गया टू सीरीज ऑफ डेटा बन गई अब इसमें आपने क्या करना है मीडियम निकाल लेना है नाउ फाइंड क्यू वन एंड क्यू थ्री क्यू वन इज अ मीडियम ऑफ लोअर हाफ ऑफ द डेटा एंड क्यू थ्री इज अ मीडियम ऑफ अपर हाफ ऑफ द डेटा तो ये जो आपके पास सीरीज आई है इसमें से आपने जो फर्स्ट हाफ है उसमें से मीडियन निकाल लो इस सीरीज का मीडियन क्या होगा मिडल वैल्यू तो वो आपके आ जाएगी क्यू वन इस अपर हाफ का मीडियन निकाल लो अपर हाफ का मीडियन क्या होगा मिडल वैल्यू वो आपके आ जाएगी क्यू थ्री सो क्यू वन इज सेवन क्यू थ्री इज सिक्सटीन अप्लाई द इंटरक्वार्टल रेंज फार्मूला क्यू थ्री माइनस क्यू वन तो सिक्सटीन माइनस सेवन इज इक्वल टू नाइन तो आई क्यू आर आपके पास नाइन क्वार्टल डेविएशन निकालनी है तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन बाय टू नाइन बाय टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट यूजिंग दिस मैथड आपने क्या करना है जो आपको सीरीज ऑफ डेटा दे रखी है उसको आप हाफ में डिवाइड कर लो फर्स्ट हाफ अपर हाफ आ जाए लोअर हाफ आ जाएगा अपर हाफ आ जाएगा उसमें से आपने मीडियम वैल्यू ऑफ द लोअर हाफ डेटा निकाल लेनी है मीडियम वैल्यू ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा निकाल लेनी है क्यू वन क्यू थ्री दोनों क्वार्टर की वैल्यूज आ जाएंगी इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल फाइंड आउट द इंटर क्वार्टर रेंज एंड द क्वार्टल डेविएशन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ क्यू एंड क्यू थ्री वी ऑल्सो हैल्सो हैव दल्टरनेट मैथड ऑफ हाउ टू फाइंड द इंटर क्वार्टर रेंज एंड डेविएशन इन द इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डेटा तो आपको Q1 और Q3 जो है आप फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हो Q1 का फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाय फोर्थ आइटम यहाँ पे आपने टी एच जरूर लिखना है क्योंकि ये नहीं है कि जो आपकी इसकी एन प्लस वन बाय फोर की वैल्यू आएगी दैट इज़ नॉट योर क्यू वन क्यू वन जो आपकी इसकी वैल्यू आएगी उतनी आइटम पे जो भी आपका नंबर होगा दैट इज़ योर क्यू वन फॉर एग्जाम्पल एन प्लस वन बाय फोर्थ आइटम एन हमारे पास यहाँ पे कितना है फाइव प्लस फाइव इज टेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास टेन तो टेन प्लस वन बाय फोर इज इलेवन बाय फोर्थ आइटम देन उसको हम टू पॉइंट सेवन फाइव आइटम आ जाएगी मीन्स कि आपने राउंड ऑफ उसको कर लेना राउंड ऑफ किया तो हमारे पास थर्ड आइटम तो आप ये देख लो कि इस सीरीज में ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें थर्ड आइटम कौन सी है वन टू एंड थ्री थर्ड आइटम आपकी कौन सी आ गई सेवन Q1. तो Q1 क्या हो जाएगा दैट इज सेवन इसने आपको बताया कि आपने Q1 जो है वो कौन सी आइटम है सीरीज में थर्ड आइटम है तो वन टू थ्री सेवन आइटम इज योर Q1. ओके okay? अगर आपको Q3 निकालना है तो Q3 कैसे निकालेंगे Q3 थ्री इज इक्वल टू थ्री n टू एन प्लस वन बाय फोर्थ आइटम ओके इसका फॉर्मूला है एन प्लस वन बाय फोर्थ आइटम क्यू वन का एंड क्यू थ्री का है थ्री इंटू एन प्लस वन बाय फोर्थ आइटम सो क्यू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू इलेवन बाय फोर्थ बिकॉज एन इज़ टेन तो टेन प्लस वन बाय फोर इज इलेवन बाय फोर्थ थर्टी थ्री बाय फोर्थ आइटम इज़ इक्वल टू एट पॉइंट टू फिफ्थ आइटम और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो वो हमारे पास आती है एर्ट्थ आइटम तो अब आप देख लो सीरीज़ में जो एर्ट्थ आइटम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट्थ एट्थ आइटम आपकी कितनी है सिक्सटीन दैट इज योर क्वार्टल थ्री ओके क्वार्टल थ्री की वैल्यू आ गई क्वार्टल वन की वैल्यू आ गई आप उसको इंटर क्वार्टल रेंज के फार्मूला में पुट करोगे क्यू थ्री माइनस क्यू वन तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा इधर यू फाइंड आउट थ्रू दिस मैथड और यू फाइंड आउट थ्रू दिस मैथड योर आंसर विल रिमेन द सेम इट इज जस्ट दैट की दिस मैथड इज मोर इजियर दैन द फार्मूला वन लेकिन आपको ये फार्मूलाज लर्न करने ही पड़ेंगे बिकॉज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के लिए वी नीड दीज फार्मूलाज टू फाइंड आउट दी क्यू वन एंड क्यू थ्री इन द सीरीज ऑफ डेटा ओके आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल थैंक यू सो मच एंड प्लीज आस्क इफ देर आर एनी डाउट्स